देखिए, पहली चीज तो निकायों पर पिछले 3 टर्म से बीजेपी का कब्जा है, ना कि लखनऊ बल्कि पूरे प्रदेश के निकायों पर। उसके बाद भी प्रदेश की बदहाल व्यवस्था क्या है, क्या कीटनाशकों का छिड़काव है, क्या नालियां हैं, क्या स्वास्थ्य है, क्या सेवाएं हैं, क्या प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा है, क्या स्ट्रीट लाइट्स हैं, क्या गड्ढे हैं। तो जब 3 टर्म से वो कुछ नहीं कर सके तो पुनः हम उनमें जनता ने भरोसा दिखाया, या जो भी 8 महीने की उनकी सरकार में मुख्यमंत्री जी ने स्वयं 60 जनसभाएं की पूरे प्रदेश के अंदर, जबकि वो गोरखपुर के 3 टर्म से सांसद रहे और हेल्थ और हाइजीन में बच्चों की जापानी इंसेफेलाइटिस और गंदगी और स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में मरने वालों की संख्या सबसे ज्यादा गोरखपुर में है, ठीक है, फिर भी उन्होंने 60 चुनावी जनसभाएं की, डोर टू डोर कैंपेनिंग की, नगर निगम की। ये क्यों ना माना जाए कि कांग्रेस ने इन कमियों को उजागर ही नहीं किया, विपक्षी पार्टियों ने इन कमियों को उजागर ही नहीं किया, इसको इस तौर पर क्यों ना देखा जाए? नहीं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री राज बब्बर जी लगातार सभी चुनावी प्रत्याशियों के समर्थन में बराबर सड़क पर थे, हमारे कार्यकर्ता उनसे जूझ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने की एक मशीन की तरह काम करती है। शायद ये सवाल का जवाब नहीं है, मैंने ये पूछा कि क्या आप लोगों ने कमियों को उजागर किया जनता के सामने, क्या विपक्ष ने अपना काम किया? जी, शीतकालीन सत्र बंद करके, आप सुनिए, बात सुनिए, स्टॉप करेंगे तो इट्स हार्ड टू डिफाइन इट। Okay. जब प्रधानमंत्री जी शीतकालीन सत्र को बंद कर 50 जनसभाएं उस गुजरात में कर रहे हैं जहां के वो 3 टर्म मुख्यमंत्री रहे हैं सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स को लेकर, तो विकास का वहां क्या मॉडल है योगी जी का, मोदी जी का, और योगी जी का गुजरात गोरखपुर में क्या मॉडल है, ये हमें इसका करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सिस्टम अपने अनुरूप चलता है, तो चीजों में विरोधाभास हो सकता है।